Hello dear students, welcome in our video series of Let Us Solve Elementary Problems in Organic Chemistry. Here today we have two questions and both these questions are of geometrical isomerism. So let us solve question number 93. How many geometrical isomers are possible for this molecule? Now to find out geometrical isomer, first of all we have to find the stereocenter. पहली ही नजर में यहाँ पर दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ अगर आप देखें तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। That means this double bond is not a stereocenter। वहां पर हमें GI नहीं मिलेगा क्योंकि एक कार्बन पर दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है जो कि नहीं होने चाहिए। इस कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन तो जुड़े हुए होंगे ही, तो ये डबल बॉन्ड भी हमारा स्टीरियोसेंटर नहीं बनता। तो दोनों ही डबल बॉन्ड, बोथ दीज डबल बॉन्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टीरियोसेंटर इन दिस केस, बट स्टिल इन दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इफ बोथ दीज ब्रांचेस आर टूवर्ड्स अस और अवे फ्रॉम अस, देन इन दैट केस इट इज सेड टू बी सिस, एंड इफ one branch is towards us and the second branch is away from us, then it is said to be trans. So यहाँ पर इस molecule के दो ही geometrical isomer possible बनेंगे जो कि इस carbon carbon single bond के माध्यम से बनेंगे, cis और trans। हमारा answer रहेगा C, two geometrical isomers are possible for this molecule. Okay, now move to the next question. Again question is saying how many geometrical isomers are possible for this molecule. Now this is trichlorocyclohexane, 1, 2, 3 trichlorocyclopropane. So this is trichlorocyclopropane and we are asked to find how many geometrical isomers are possible. So first of all, if there is a cyclic structure and substituents are given, then you have to draw all the possible structures, then after you will decide how many geometrical isomers are possible. तो एक ही इसका उपाय है, हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं आंसर को। साइक्लोप्रोपेन में एक क्लोरीन, वेज में बताते हैं दो क्लोरीन, डैश में बताते हैं, ये भी पॉसिबल है, एक क्लोरीन वेज में दो क्लोरीन डैश, जिसका मतलब यह हुआ कि दिस क्लोरीन इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अस व्हाइल दीज क्लोरीन्स आर अवे फ्रॉम अस, और यू कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, दो वेज शेप में क्लोरीन और एक डैश में क्लोरीन, ये दोनों अलग नहीं कहे जाएंगे, ये दोनों सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल को आप दूसरी ओर से देखें तो वो आपको इस तरह का दिखेगा। तो ये दो नहीं है, ये एक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब और कोई पॉसिबिलिटी है? जी हाँ है, एक और देखते हैं। चलिए तीनों क्लोरीन को हम लोग या तो वेज शेप में बताएं या तो डैश में बताएं। यहां पर ये तीनों क्लोरीन हमारी ओर है, दैट मीन्स ऑल दीज क्लोरीन एटोम्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अस, लेकिन अगर कोई दूसरी ओर से देखे तो उसे लगेगा कि सभी क्लोरीन उससे दूर जा रहे हैं, तो ये सेम स्ट्रक्चर बनेगा, ये वेज शेप वाले तीनों या तीनों डैश वाले क्लोरीन रखे तो वो भी सेम ही रहेगा। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने की इसमें नहीं है, तो यहां पर भी हमारा आंसर मिलेगा दो, सी टू विल बी दी करेक्ट आंसर। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे दूसरी बुक्स में भी, इस बुक में भी है, आप अपने खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हो और आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर गिनने के लिए कहा गया हो, तो एक ही रास्ता है, आपको सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही डिसाइड करना होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल देन सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एज वेल। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।